सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर जो अपडेट मुझे अभी भी मिला है एक चैनल के थ्रू, गाइस जैसा कि आपको पता होता है जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उन लोगों के साथ एएमडी का वो मेल रिप्लाई वगैरह ये सब चलता रहता है, तो उसमें से एक चैनल था जिससे मुझे ये अपडेट मिला है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे इसका जो स्टेटमेंट आया है एएमडी की तरफ से, इसके लिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट का लिंक तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये मैं एक चैनल के थ्रू जो ये अपडेट है वो मुझे मिला है। तो अपडेट के साथ जो निकल के आया बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, जितने भी लोग यहाँ पे B450 या X470 यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे जो मेन अपडेट है वो है एएमडी के 400 चिपसेट वाले जितने भी मदरबोर्ड जितने भी लोग कैरी कर रहे हैं इस टाइम पे अपने पास है, कोई भी राइजन सीरीज के सीपीयू जब वो चला रहे हैं, उनको ये अपडेट मिलेगा। एंड इस अपडेट के थ्रू वो लोग जो Zen 3 आर्किटेक्चर वाले 4000 सीरीज है उसको एक्सेस कर पाएंगे, मतलब उस सीपीयू को चला पाएंगे अपने मदरबोर्ड के अंदर। एंड जो अपडेट निकलेगा, मतलब जैसा कि तुमको पता होगा कि ये जो BIOS का साइज़ है वो बड़ा होने की वजह से जो एग्जिस्टिंग मदरबोर्ड है मतलब मार्केट पे उस पर सपोर्ट नहीं आ रहा था, जो नया अपडेट है ये बताता है जितने भी 400 सीरीज चिपसेट वाले मदरबोर्ड है जित कोई भी ब्रांड हो, यानी कि सिर्फ MSI के साथ होगा या फिर गीगाबाइट के साथ होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जितने भी थर्ड पार्टी ब्रांड है जो ऑलरेडी तुम्हारा B450 या फिर X470 चिपसेट को कैरी कर रहा है उन सब के अंदर अपडेट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, जो कम साइज वाले BIOS के जो मेमोरीज आते हैं जो रोम आते हैं उसके अंदर ये BIOS फिट नहीं हो पा रहा था, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसके अंदर कोड चेंज किए जाएंगे, लोगों आपको देखने को नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा फैन कंट्रोल या फिर RGB वाला लुक या फिर कुछ और, ये सब जो एक्स्ट्रा फीचर है जो गेटअप वाला फीचर है उसको हटाया जाएगा। एंड हो सकता है कि BIOS को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर दिया जाए ताकि वो छोटे जगह के अंदर फिट हो जाए। यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो कि कंडीशंस है कि ये जो अपडेट है ये सिर्फ उन्हीं बंदों को मिलेगा जो कि Ryzen 3000 सीरीज नहीं Ryzen 4000 सीरीज मतलब Zen 3 आर्किटेक्चर वाले CPUs खरीदे हो, ठीक है, उन्हीं को सपोर्ट मिलेगा। तो आपके पास कोई B450 मदरबोर्ड अभी पड़ा हुआ है या फिर कोई X470 पड़ा हुआ है आपके पास, तो अगर उसके साथ आप लोग एक बाजार से नया परचेज करके लाते हो एक 4000 सीरीज वाला कोई भी Ryzen प्रोसेसर, तो उसके साथ मुझे नहीं पता किस तरीके हो सकता है उनके वेबसाइट में आपको वेरीफाई करना पड़े, AMD के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपना CPU जो नया नया आप खरीद के लाए हो 4000 सीरीज के CPU उसको वेरीफाई करना पड़े। अगर वो लोग देखता है कि हाँ आपने एक नया 4000 सीरीज का CPU परचेस किया है तभी जो आपको ये अपडेट मिलेगा। एंड ये एक बीटा अपडेट है जो कि यही बताता है कि आप ये जो अपडेट है ये वन वे अपडेट है, मतलब आप आगे जा सकते हो इसके ऊपर अगर बीटा का कोई अपडेट वर्जन निकलता है, ये बीटा वर्जन का पर्टिकुलरली इस बीटा वर्जन का अगर कोई अपडेटेड वर्जन निकलने वाला है इन फ्यूचर तो आप अपग्रेड कर पाओगे, अदरवाइज आप डाउनग्रेड नहीं कर पाओगे। एक बार आप बीटा वर्जन में चले जाते हो तो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आप चाहकर भी पिछले जनरेशन के जो CPUs है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक बार BIOS लगा लेता हूँ एंड 4000 सीरीज के CPUs चला लूंगा एंड जब मेरा मन उठ जाएगा तो मैं उसको OLX पे बेच दूंगा, बेचने से पहले ताकि वो पिछले जनरेशन के सब CPUs को फिर से सपोर्ट करे, मैं उसका BIOS जो है उसको फ्लैश करके पिछले जनरेशन वाला जो BIOS है या फिर पिछला वाला BIOS जो है ओल्ड BIOS को मैं उसके अंदर डाल दूंगा एंड बस मेरा काम हो गया, वो मदरबोर्ड बिक जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इस BIOS को तुम लगाते हो तो हो सकता है कि तुम 3000 सीरीज या फिर 2000 सीरीज या फिर जितने भी पहले के सीरीज है उसको तुम यूज़ नहीं कर पाओगे। और चीज़ है कि AMD आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप लोग सही में अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हो, एक हासिल फ्री वर्क चाहते हो जिसके चलते आपको इतना कुछ देखना ना पड़े कि, तो आप B550 ले लो, क्योंकि वो भी आ जाएगा कुछ ही दिन के अंदर। एंड AMD का स्टेटमेंट है, ये फाइनल स्टेटमेंट है जैसा कि AMD ने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, एंड ये चीज़ होगा ही होगा, ठीक है, आप ये चीज़ श्योर होकर रह सकते हो, ये चीज़ आप अश्योर कर सकते हो, नहीं जो अपडेट है वो आएगा एंड जितने भी 400 सीरीज के चिपसेट वाले मदरबोर्ड है वो सपोर्ट करेंगे, ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट है AMD की तरफ से। बट ये जो अपडेट है ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि जब ही 4000 सीरीज लॉन्च होगा साथ ही साथ ये जो बीटा वर्जन का अपडेट है, ये जो बीटा BIOS अपडेट है वो निकल जाएगा, हो सकता है डिले आए 1-2 मंथ, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो आई थिंक कि जब तक आप वेट करोगे उस वेट के दौरान B550 आ जाएगा मार्केट पे। तो अगर नए खरीदने की सोच रहे हो, आपके पास सिस्टम बहुत पुराना है, तो आप वेट कर लो। AMD फाइनली सुन लिया क्योंकि बहुत दिनों से ट्वीट हो रहा था एंड ट्वीट को रीट्वीट फिर उसको रीट्वीट एंड बहुत सारे चैनल भी इसके ऊपर वीडियो बना रहे थे कि AMD इतने दिन तक कंपेटिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे अपने कस्टमर्स को, अब बहुत सारे कस्टमर्स उनके साथ जुड़ चुका है 2017 से लेकर, जब Zen आर्किटेक्चर से लेकर Zen प्लस, Zen 2, अब Zen 3, इतने सारे जो ये जो थ्री ईयर्स है, ये जो पास्ट थ्री ईयर्स है, इसमें AMD का जो कस्टमर
क्या बोलते हैं कस्टमर काउंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये भी एक रीज़न है कि AMD अपने जो फैंस है उनकी वजह से जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये अपडेट आपको दे रहा है। बट मुझे लगता है कि ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं अगर तुम नया CPU खरीदने वाले हो। बट अगर तुम OLX पे बेचने के बारे में सोच रहे हो कि मैं अपना बोर्ड जो है वो इन फ्यूचर बेच दूंगा, तो वो आप नहीं कर सकते। तो रीसेल वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है इस अपडेट के थ्रू, तो मुझे नहीं पता क्या कुछ करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप वही के वही रहने दो, मदरबोर्ड अपडेट के ऊपर बीटा अपडेट के ऊपर मत ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि AMD बोल रहा है कि आपको पूरा परफॉर्मेंस लेना है तो आप B550 के ऊपर आ जाओ। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन वो लोग खोल दे, या फिर मुझे नहीं पता XMP के अंदर कुछ डिग्रेडेशन करे, या फिर ओवरक्लॉकिंग के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दे, मुझे नहीं पता। बट वो लोग कंफर्टेबल बना देंगे, बट वही लोगों कम रहेगा या फिर कुछ और, उसका तो अपडेट मेरे पास नहीं है। बट ये अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग, मिलता हूं आपसे अगले ऐसे किसी पीस लेट कंटेंट में। तब तक के लिए गुड बाय, हेल्दी गेमिंग गाइस।